मैं जितनी मर्जी एहतियात कर लूँ ना, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि मुस्तफ़ा साहब मेरे बेड के ऊपर दूध ना निकालें। यहाँ से मैं नया सूट पहनती और यहाँ से चलो जी पूरे कपड़े दूध से भर देता ये। और अब तो मुझे इतनी आदत हो गई है कि मुझे स्मेल भी नहीं आती। मैं कहती हूँ कि यार छोड़ो, पड़ेगा बार बार चेंज कर दे, अभी सूख जाएंगे। और एक तो कमबख्त आजकल गैस ने जो तंग किया हुआ है, मतलब शाम में मैंने खाना बनाना था, मैंने कोई आधा पौना घंटा इंतजार किया कि अब आती है, अब आती है, अब आती है, एट द एंड सिलेंडर रखना ही पड़ा। और हमारे मुल्क में तो बड़ा ही मजे का सीन है ना, इधर से मौसम अच्छा जरा सा होता है, इधर से लाइट भी चली जाती है, गैस भी चली जाती है। चलो भैया मजे करो। फिर भी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह अल्लाह करके मैंने खाना बनाया। और ना मैं बिरयानी की आप लोगों को एक प्रो टिप बताती हूँ, जब बिरयानी का मसाला तैयार हो जाए ना, तब आपने उसको हल्का सा कोल का स्मोक दे देना है फॉर लाइक 3 मिनट्स, और बस उसके बाद तय लगा के आपने उसको दम दे देना। वो इतने मजे की कोयले की खुशबू आने लग जाती है चावलों से कि ऐसे लगता है यार बारबेक्यू हुआ है। मुकीद तो बल्कि एक दफा हैरान रह गए कि हमारा ये क्या। जब इतने मजे के खाने सामने बने होते हैं ना, तो फिर बंदा कहता है यार अब परहेज क्या करना, अब वर्कआउट कर लेंगे, खा तो ले। तो हाँ सच में बता रही थी, यहाँ पाकिस्तान में तो दही सलाद बनाना तो यार मैंडेटरी होता है खाने के साथ। जब मैं ऑस्ट्रेलिया में ऑफिस से वापस आती थी ना, तो ऑब्वियसली तो टाइम कम होता था, ऊपर से मैं थकी हुई होती थी, तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता था सलाद बनाने का। मैंने क्या करना कि मैं प्याज काट के ना दम में ही डाल देती होती थी, मतलब धनिया पुदीना हरी मिर्च सारा कुछ काट के, और साथ कच्चे प्याज काट के एंड में जब दम लगाना तो सारी चीजें बीच में डाल देनी। और सच में वो भी इतने मजे के लगते थे, जब वो मुंह में आते थे लाइक आपको सैलड बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसके बाद खैर से आजकल मौसम इतना अच्छा हुआ है, मौसम तो अच्छा हो रहा है लेकिन बारिशों की वजह से जो फसलों का नुकसान हो रहा है ना, उससे मेरा दिल बहुत परेशान होता है। तो खैर अल्लाह पाक जब भी बारिश आए वो रहमत की बारिश हो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मौसम तो अच्छा हो गया था। तो हमने सोचा कि यार अब बनता तो है ना कि चलो यार एंजॉय तो करके आए। तो फिर हम लोग जैतून गए, और मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा कि यार आज तो ये ड्रेस भी पहना जा सकता है, अदरवाइज तो बंदा गर्मियों में पहन ही नहीं सकता। अबाउट दिस ड्रेस डिटेल्स यू कैन फाइंड ऑन इंस्टाग्राम। और ना सच में मुझे ऐसे लग रहा था आज जैसे मेरी नई नई शादी हुई और मैं अपनी शादी की किसी दावत पे आई हुई हूं। आल्सो आई एम प्लानिंग टू सेल दिस ड्रेस, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। और आजकल जो है ना, मैंने सही मोटिवेशन के साथ जिम स्टार्ट किया हुआ है, बिकॉज़ ऑब्वियसली आई एम फीलिंग मदर एंड आई कैन गो ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, तो इस वजह से मुझे वेट भी लॉस करना था और ऑब्वियसली हेल्थ भी मेंटेन रखनी है, एंड फॉर दैट फिजिकल फिटनेस इज सो इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट डॉक्टर्स आपको आफ्टर सी सेक्शन 3 मंथ्स के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं कि आप किसी भी किस्म का हार्ड वर्कआउट करें, यहां तक कि आपको ये भी मना किया जाता है कि आप किसी किस्म का वेट भी ना उठाएं। लेकिन मैंने जो जिम स्टार्ट किया ना, वो मैंने अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग ही किया है, लाइक मुझे अगर मेरी सेहत इजाजत दे रही है तभी मैं करती हूँ। और इतना मजे का खाना जैतून का, हमने इनका बारबेक्यू ट्राई किया, मसाला राइस बहुत मजे के थे, इसके अलावा इनकी मलाई बोटी भी बहुत जूसी थी, और साथ में हमने कबाब मसाला ऑर्डर किया था, वो सालन भी बहुत मजे का था। तो खैर हाँ, मैं बता रही थी एक्सरसाइज का, इसमें स्टेमिना आजकल मेरा इतना लो हुआ है कि मेरे लिए 10 मिनट ट्रेडमिल बहुत मुश्किल हो जाती है। तो खैर कोई नहीं, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी हुई है तो यार करते हैं। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। अपने मुल्क के हालात के लिए खसूसी दुआ कीजिएगा। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।